Assalamualaikum दोस्तों, आज फोटोशॉप की हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे। पिछली तीन क्लास में जो कुछ पढ़ा जो हमने सोचा आप लोगों को समझ आया होगी तो समझ में आई होगी तो आप आज का हमारा टॉपिक फोटोशॉप ही है और फोटोशॉप के अंदर हम एक चीज का नाम है डेरी मिल्क चॉकलेट होती है तो उसे सभी खाते हैं। डेरी मिल्क चॉकलेट इस तरीके से बनाई जाती है, डिजाइन वगैरह जो है फोटोशॉप से क्रिएट होती है। फोटोशॉप से बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से बनाई जाएगी वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो रन बॉक्स ओपन करना है फोटोशॉप ओपन करने के लिए, विंडो लोगों की प्लस आर रन बॉक्स और शो में फोटोशॉप टाइप करें। Adobe is a company name Photoshop या product of Adobe। अक्सर लोग इसको Adobe भी पढ़ते हैं तो इसको कोई गलत नहीं है, Adobe और Adobe। चलिए हम अपनी बात जारी करते हैं। न्यू बैकग्राउंड लेना कंट्रोल प्लस एल की मदद से भी ले सकते हैं। आप ये दर्शा के न्यू आप कर सकते हैं। इसके देंगे इनके आगे शॉर्टकट की चीज आ रही है जिसके लिए शॉर्टकट ना पता हो आप फाइल में या मेनू बार में चले जाते हैं शॉर्टकट की वगैरह देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन न्यू बैकग्राउंड। आज का जो काम हमारा उसका नाम है क्लास है आज की कैरेमिल कैरेमिल चॉकलेट बनाया जा रहा है ना। ओके कंट्रोल प्लस जीरो फिर स्क्रीन न्यू लेयर लेनी है लाजमी आपने अपने यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे ये ध्यान रहे कि पाथ होना चाहिए, शेप नहीं होनी चाहिए, पाथ पे चेक लगा होना चाहिए और उसके बाद हमने इसको ड्रॉ कर दिया। रनिंग सिलेक्शन देखें दो किस्म की सिलेक्शन होती है, ये मैं बता चुका हूँ कि एक स्टॉप सिलेक्शन और एक होती है रनिंग सिलेक्शन। इस वक्त ये स्टॉप सिलेक्शन इसको रनिंग सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है कंट्रोल प्लस इंटर इक्वल टू रनिंग सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस इंटर इससे रनिंग सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। तो इधर आके मैंने कंट्रोल प्लस इंटर का ऑप्शन पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस वजह से शायद ऊपर तक आ रही हो गया। ये देखें कंट्रोल प्लस इंटर कंट्रोल डी रिमोट सिलेक्शन कर दी मैंने। सिलेक्शन रिमोट करने के बाद इसमें दोबारा शुरू करती है इस तरीके से और कंट्रोल प्लस फिल्टर की मदद से हमने रनिंग सिलेक्शन ऑन कर दी है। रनिंग सिलेक्शन के बाद इसमें कलर करना है आपने, ये फॉरग्राउंड कलर की जाता है व्हाइट जिसको हुआ हुआ है इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। ये वाला कलर सेलेक्ट किया और साथ ही इसके स्पीकर से मैंने ये कलर लिया। स्पीकर मैंने सिखाया था हेमस्फेरिक क्लास में जिस टूल के साथ ऑप्शन नजर आएगा उसको मैंने ये अलग कलर कर दिया। कंट्रोल प्लस डी सेक्शन रिमूव करके सिलेक्शन खत्म कर दिए। अभी इस वक्त ये गलती है कि चॉकलेट लग रही है कि स्क्वायर लग रहा है, इसको चॉकलेट की शेप देने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाए आप एफ एक्स ऑप्शन नजर आ रहा है, क्लियर परफेक्ट होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आप एफ एक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
एड अ लेयर स्टाइल सुगर के अंदर, एड अ लेयर स्टाइल के अंदर आने के बाद आप जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद एक विंडो आपके पास ओपन होगी, इसको जो है यहाँ पे साइड में लीजिएगा, बेवल एंड एम्बॉस पे चेक कराइएगा। उसके बाद इस बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक करना लाजमी है ताकि इसकी हमारे पास ओपन हो जाए। ये साइज है इसका, इस साइज में रखनी है आपने सॉफ्टवेयर वगैरह के, उसके हार्डनेस सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, हमें भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, हमें ऐप कितनी होनी चाहिए, साइज इसका कितना होना चाहिए, सो ये आपको कुछ समझ आएगा। आप वैसे ये एंगल जैसे ये ब्लैक कलर साइड में जो शेडो नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर भी रखना चाहे आप इसे शेडो वो रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे कर दिया जैसे पहले था, और इसके बाद मैंने यहाँ पर आगे करते सिंपल हो गए। तो ये एक चॉकलेट का हिस्सा बन चुका है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आगे टैक्स साइज टेक्स करके यहाँ से बड़े करेंगे आप, उसके अंदर मैंने लिख दिया टेरिमेट लिखा, उसकी मदद से मैंने इसको किया है, कंट्रोल का बटन दबाया, माउस का बटन दबा के इसको कंट्रोल कर दिया, साइज बढ़ाएगा तो टी के ऊपर आगे डबल क्लिक करें, सिलेक्शन हो जाएगी इसकी और इसका साइज आप कंट्रोल का बटन दबाएं, ठीक है जी। अब डेयरी मिल्क जो है इसके अंदर भी अगर आपने बेबी रैम बोर्ड नाम लिखा है इसके ऊपर भी आप बेबी रैम बोर्ड अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉप वगैरह देना चाहें तो आप यहाँ स्टॉप भी दे सकते हैं, स्टॉप वगैरह देखिए आप यहाँ से मिलेगा, ये वाला देते हैं आप थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, कलर ओके कर देते हैं और इसका साइज कम कर देते हैं, कम कर सकते हैं आप स्टॉप लेवल एम्बॉस बाद से लेवल एम्बॉस में आ गए, लेवल एम्बॉस आने के बाद आप सही है यहाँ तक मुझे तो पता है कॉपी करेंगे आप यहाँ पर आके, करने के बाद ये सिलेक्शन लेंगे आप, तो एक काम करते हैं स्केच कलर कलर चेंज थोड़ा सा अब इन दोनों लेयर्स को आपने मर्ज करना है, मर्ज करने की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस मर्ज किया, ठीक है। मर्ज किया करने के लिए कंट्रोल प्लस ई ऑप्शन प्रेस करेंगे, उससे पहले आपने क्या करना है इन दोनों लेयर को स्ट्रेक करना है, लेकिन आप दोनों लेयर स्ट्रेक इस तरीके से होगी, लेयर वन बैकग्राउंड को तो आपने छेड़ने के लिए लेयर वन पे क्लिक किया, लेयर वन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है शिफ्ट का बटन दबाना है और लेयर टू पे, लेकिन लेयर से सेकंड पे आप क्लिक कर सकते हैं, मर्ज सिलेक्शन हो जाएगी, या फिर एक और तरीके अगर दो ही लेयर है, या अगर आपके पास आधा लेयर और आप ऊपर ही लेयर से नीचे लेयर को मर्ज करना चाहते हैं तो ऊपर ही लेयर पे क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल प्लस ई का बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगी। अब इसके बाद आपने उसकी कॉपी लेनी, कॉपी करने के लिए आप लोगों को बताया कंट्रोल प्लस जे डुप्लीकेट लेयर कि इस तरीके से आपने इसकी कॉपी करनी है जी। ये देखिए हमने इन सब लेयर को कॉपी कर करके सेट कर दिया है, ये लेयर सेलेक्ट हुई है, लेयर को सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर आप सारे लेयर को सेलेक्ट करना है आप चीज करते हैं वो पूरी मदद से भी सेलेक्ट करने आप सारी लेयर आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे चेक करना और लाजमी है, और स्टैक पे अगर ऑटो स्टैक पे चेक नहीं होगा तो फिर वो होगी और स्टैक नहीं होगी, ठीक है। ऑटो चेक पे स्लैक, ऑटो चेक स्लैक का मतलब ये होता है कि जब आप
किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो देखो तीन बच्चे मिले आया ऑब्जेक्ट को, और अगर मैं यहाँ चौथा स्पेन से चेक करा दूँ तो उसके बाद मैंने कहा कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको मूव करना है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव और ये वाला ऑब्जेक्ट मूव होगा। देखिए वजह उसकी वजह ये होती है कि जो हमें लेयर सेलेक्ट हुई है वो लेयर वन कॉपी फाइव ये वाली जो लेयर सेलेक्ट है, और अगर हमने ऑटो सेलेक्ट को चेक लगा दिया तो ऑटो ये होगा कि ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करेगा जो ऑब्जेक्ट आप चेक करेंगे। तो कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल अल्ट जेड की मदद से हम इसको वापस कर देंगे। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड आगे बढ़ेंगे। ये हमारी डेयरी मिल्क बन चुकी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस मर्ज कर दिया, सारी की सारी मर्ज होती है, और इसके बाद एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे। कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की होती है आप लोगों को पता है, आगे मैंने नीचे कर दिया, कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया मैंने, और इसको मैंने थोड़ा सा साइज इंटर करेंगे स्केचिंग का बना नहीं सर। तो ये एक रेडीमेड से बना दी है हमने, इसके ऊपर भी हमारे यहाँ पर वाइट भी लगा देते हैं, वाइट लगा सेक्शन भी और पीछे उधर दबा दिया आपको वाइट। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ ही बच्चों के लिए लॉलीपॉप होता है, किसी बच्चे की बर्थडे आ रही हो तो आप उसको इस तरीके से बना के डिज़ाइन करके और सेंड कर सकते हैं, विश कर सकते हैं किस तरीके से। वो देखिएगा मैं लॉलीपॉप बनाने जा रहा हूँ। अगर फिगर इसका जो है मैंने इसको शुरू कर दिया, फिगर मैंने बताया था पिछली क्लास में क्या काम होता है, तो यहाँ पर आके मैंने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद नहीं लिया अभी से कलर सेलेक्ट करेंगे आप कोई भी कलर, व्हाइट कलर, रेड एंड व्हाइट। मैंने उसको ग्रेडियंट की मदद से आपने कलर ग्रेडियंट की मदद से आपने कलर कलर फिल करना है। कलर फिल किया, कलर फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद डिस्टॉर्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाने के बाद कर देंगे आप ज्वाइन और इसको ये देखिए आप ग्रीन के सैंपल ऑयल को बन चुका है, या कैडी भी कह सकते हैं आप कैडी बनाना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस डी स्ट्रक्चर खत्म कर दिए, रिमूव स्ट्रक्चर कर दिए, एक नई लेयर देंगे आप, नई लेयर देने के बाद लेयर टू को नीचे कर देंगे आप। गैस की कंसेप्ट बहुत जरूरी है, मैंने कहा था कि गैस जानना। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल प्लस प्रिंटर रनिंग सेक्शन में रख दिए, और रनिंग सेक्शन के बाद इसमें मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिया, ग्रेडिएंट टूल किया, ग्रेडिएंट टूल लेने के बाद इसके अंदर मैंने व्हाइट साइन के तरीके से कलर कर दिया, मूव टूल लिया, मूव टूल लेने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने फोटो कर दिया, तो ये एक और लॉलीपॉप तैयार हो चुका है। कंट्रोल प्लस जे डुप्लीकेट लेयर होती है, इसके अंदर बैलून भी बन सकते हैं, बैलून जो है तरीका मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लास आपकी डेट हो चुकी है वाली, अब आप चाहते हैं कि सर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, इसको कलर चेंज करने के लिए आप कंट्रोल कर लो, बात करें दबा के इसमें थम ले ले, डब्बे को जो आ रहा है थम ले कहा जाता है, लेयर जिसका नाम भी थोड़ा लेयर वन को साथ ही परेशान छोटा से जो आ रही है जो थम ले के कंट्रोल के साथ जो थम ले पे क्लिक करेंगे, थम ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आगे आप सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई ब्लू एंड व्हाइट कलर और ग्रेडिएंट टूल लेंगे, दोबारा से आप दोबारा सेम इस तरीके से, और एक मरतबा फिल्टर अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप कंट्रोल प्लस एफ का बटन की मदद से कोई फिल्टर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंट्रोल है कंट्रोल प्लस भी इन पर ब्याज करना आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, कोई भी समझ ना आई हो तो आप पूछना चाहते हैं तो आप लोगों को भी कीजिएगा। इस तरह बहुत ही मदद से बहुत काम का आप एक नई लियर कई काम के ऊपर एक नई लियर ली और उसके अंदर जो है ब्लैक कलर कर देखिए देखिए सीन हो गया। ये आप लोगों को आज का समझ आ गया पसंद हो रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताता रहूँगा नेक्स्ट क्लास में।
Professor X Miss Boy Class ini tadi apa cerita apa yang tadi sebagai as support ya mau melihat juga subscribe di channel tuh like dan share.